माइनक्राफ्ट। तो आज का एक ही सिंपल एजेंडा है कि हमको एन्चेंटिंग स्टार्ट करनी है एंड और भी चीजें करेंगे, जैसे मेरे को थोड़ा एक्चुअली ऊपर लाइटिंग लगानी है बिकॉज यहाँ पे एक ऊपर स्पाइडर स्पॉन हो गया था मेरे सामने, नीचे गिरा, इसलिए मैं थोड़ी एक्स्ट्रा लाइटिंग लगाई है। बट ये काफी अगली कहाँ से आवाज आ रही है अभी? ओके, ये दरवाजे थोड़े अनोइंग है। बट हमारे घर के नीचे कुछ है क्या? ओके वेट, यहाँ पे भी स्पॉन हो रहे हैं ज़ॉम्बीज़। वहाँ पे लाइटिंग नहीं है क्या? तो काफी लाइटिंग लगा के आया था। अबे यार, ये दोनों मारते रहेंगे जब तक इनको खत्म नहीं करता मैं। नाइस, कहाँ स्पॉन हो रहे हैं ये लोग? घर के नीचे नीचे है ज़ॉम्बीज़। जितने लाइटिंग चाहिए ले ले भाई, तू पूरी जगह ले ले, बट ज़ॉम्बीज़ मत लाना। ओके सॉरी, ज़ॉम्बीज़ ही स्केलेटन्स। ए ये निकालो यार, मेरा डेकोर खराब कर रहे हैं। वेट, यहाँ पे एक दिख रहा है। ओके, ये आई थिंक चले जाएगा थोड़ी देर में। ओके, तो मैं थोड़े से एक्स्ट्रा पिलर्स बना दिया, अभी तक वो सारे सेट नहीं हुए हैं जस्ट बिकॉज ये सब क्लियर करना है, उसके बाद यहाँ पे लग जाएंगे। एंड एक पिलर बाकी है, बाकी मैंने मोस्टली काफ़ी और लैंडस्केपिंग कर दिया, ये एरिया काफ़ी खाली कर दिया है। पीछे की साइड पे नीचे जो होल्स है वो भर दिए, जो ऊपर एरिया था वो क्लियर कर दिया। तो मेरे को क्या करना है बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड में, जब हम मोस्टली हम लोग करेंगे ऑटोमेटिक फार्म्स एंड उसके साथ साथ मेरे को अपने ये लाइफ स्टॉक को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देना है एंड ताकि घर और इसके बीच में भी थोड़ी जगह हो जाए, क्योंकि जब मैं घर में रहता हूँ तो कभी कभी काउस की आवाज़ आती है जो बहुत ज़्यादा हो गई है। बाय द वे, टू मेनी काउस इधर के लिए, बट ठीक है, वो सब देख लेंगे। हाँ, तो ऑटोमेटिक फार्म्स करने हैं हमको बिकॉज रेड स्टोन तो काफ़ी मिल चुका है, अब तो करने का सेंस भी बनता है। एंड हॉर्सेज और मेरे पिग्स के लिए भी पेन बनाना है, बट ये सब होएगा नेक्स्ट एपिसोड में। अब भी चलते हैं हम लोग टू द माइंस जहाँ पे हम लोग गए थे लास्ट एपिसोड में। एंड मेरे को एक्चुअली वहाँ से ऑब्सीडियन लाना है बिकॉज ऑब्सीडियन चाहिए थोड़ा काम वाम करने के लिए। एक लेदर पोर्टल भी बनाई देंगे, उसके लिए भी ले आते हैं ऑब्सीडियन एंड फिर उसके बाद एन्चांटमेंट चालू करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मेरा 30 लेवल होना चाहिए था, अभी तक नहीं है, बट बिकॉज कि मैं दो एपिसोड पहले के बीच में और लास्ट एपिसोड के बीच में मैं मर गया था एक बार, तो वो उतना आया नहीं, तो 30 लेवल एन्चांटमेंट्स नहीं कर पाएंगे अभी। बट जैसे जैसे हमको मिलता रहेगा, प्लस एक स्पाइडर स्पॉनर मिला था हमको लास्ट एपिसोड में, तो उससे मेरे को बनाना है एक बेसिकली हेलो उससे मेरे को एक माउस पाना बनाना है। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओ शिट यार, ये तो मेरे को थूकने आ जाएगा मेरे पे, उससे दूर रहो। अरे यार, मारना ही पड़ेगा, सॉरी लामा। ओके एनीवे, हाँ इसको जिंदा रखने देते हैं। तू है आज से, तेरा नाम है बॉब। या तो लेट्स गो। एंड यहाँ पे ऑब्सीडियन है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि होने वाला नीचे बहुत सारा लावा, तो उसके लिए एक ट्रिक है। थैंक गॉड मेरे को लगा मैं वाटर बकेट नहीं लाया। एंड उसके लिए उसको यहाँ पे रखो बेसिकली एंड इधर से माइन करते रहो, तो जो भी ऑब्सीडियन इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इनटू द लावा नीचे इसके अंदर चले जाएगा वाटर के फ्लो के अंदर, होपफुली। हाँ चलो, यहाँ पे तो था ही नहीं, बट हम अब लोग ऐसे बेसिकली माइन कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक। मैं कलेक्ट करता हूँ आई थिंक कुछ अराउंड 20-30 ऑब्सीडियन जितना भी मिलता है मैं कर लेता हूँ एंड उसके बाद बाकी देखते करने के। वेट शिट यार, नहीं अंदर जा। Why you bullying me? क्या स्टूपिड है वो ब्रो, ऑब्सीडियन माइन करने में लग जाता है 1 घंटा। खत्म हो यार, आई नीड एफिशिएंसी पिकैक्सेस ये सब के लिए, और वो सब इंचांटिंग के बाद ही आएंगे, पर इंचांटिंग करने के लिए पहले ये करना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर अगर मैं डायमंड अपनी पिकैक्स अभी इंचांट करूंगा स्पेसिफिकली बिकॉज उसके ऊपर मेरे को 30 लेवल इंचांटमेंट ही चाहिए, एफिशिएंसी 4 या एफिशिएंसी 5 एंड बाकी सब एकदम कूल चीज़ें। तो बाकी तो कर लेते हैं अपना एटलीस्ट लेवल 1, अपनी आर्मर को कर लेते हैं प्रोटेक्शन 1। अब शिट ये क्या हो रहा है, अनब्रेकिंग और जो भी मिलता है शार्पनेस अपनी स्वॉर्ड पर अगर मिलता है या फिर लूटिंग मिलता है तो वो भी चलेगा। बस बेसिकली ये सब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जानी चाहिए हमारे पास अभी इस एपिसोड के एंड तक। ओके 24 ऑब्सीडियन हो चुके हैं मेरे पास, ये अभी के लिए तो काफ़ी लग रहा है मेरे को, स्पेशली बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम लगता है इसको माइन करने में। तो ऊपर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरे को आई थिंक हमको बुक्स बनानी पड़ेंगी, उसके लिए हमको लेदर चाहिए, तो आई थिंक काउस को थोड़ा मारना पड़ेगा, विच आई डोंट वॉन्ट टू डू बिकॉज हम लोग। स्लाइम की आवाज़ आ रही है क्या, कहाँ से पता नहीं। ओके कहीं तो नीचे स्लाइम है एक। हाँ एनीवे, मेरे को काउस को मारना पड़ेगा लेदर के लिए, क्योंकि बुक केसेस बनाने हैं एंड बुक्स बनानी है, बुक्स के लिए लेदर यूज़ होता है। शुगर केन लगेगा पेपर के लिए जो हमारे पास, वो भर के। ओह मेरे पास ये है ही नहीं। ओके चलते वापस। मैंने तो आई थिंक इतनी एफिशिएंटली हर जगह टॉर्चेस लगा दिए ना अब कि यहाँ पे कोई स्पॉन होते नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे हो सकते हैं स्पॉन आई थिंक, इधर लगा देते हैं। इधर ये थोड़ा डार्क एरिया है, इधर और कुछ इस साइड लगा ही देता है अभी के लिए, बाद में एकदम प्रॉपरली लगा दूंगा। जैसे उस पर कुछ लगाया है
वैसे सॉर्ट ऑफ डिजाइन लगा सकते हैं या समथिंग. मेरे को पता है यहाँ पे एक ब्रिज भी बिल्ड करना है मेरे को, जो मैंने बोला था लास्ट या लास्ट लास्ट एपिसोड, आई डोंट रिमेंबर का बोला था मैंने, बट वो अभी मैं अपना पानी नीचे छोड़ा है. कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता. मेरे को अभी करना है ऑब्सीडियन से सामान क्रिएट. लेदर देखते हैं हमारे पास कितना है. लेदर के साथ हमको चाहिए शुगर केन एंड वेट. ओके, लेदर हमारे पास क्या है, 11. वॉट? ओके ओके, मारना पड़ेगा हमको. 12 हो गया, एक ऑलरेडी था. लेदर के साथ हमको चाहिए पेपर. शुगर केन आई थिंक मैंने इसमें रखा है. ओ हाँ भाई, बहुत शुगर केन है. सॉरी, ओक साइड नहीं चाहिए. 3 शुगर केन के स्टैक्स ले लेते हैं. एंड शुगर केन और चाहिए तो और भी बहुत बहुत सारा है. उनको मार के आते हैं तो एक मिनट सो जाएगा जाकर, क्योंकि ज़ॉम्बीज आ रहे हैं. अरे यार, सोने भी नहीं दे रहे. यू मे नॉट रेस्ट नियर राइट नाउ, देयर आर मॉन्स्टर्स नियर बाय. इसको मारना पड़ेगा सोने के पहले. दे दे, थैंक यू फॉर योर रॉटन फ्लैश. अब मैं सो जाऊँ. ओके गाइज, आंख बंद कर लो. ये थोड़ा सीरियस सीन होने वाला है. यार मैं ये तो ये टूट गई. कितना मिला हमको लेते, 43. आई एम नॉट श्योर. शिट, मेरे को याद भी नहीं कितना चाहिए होता. वेट, ओके, तो इससे जाके देख लेते हैं कितना होगा. मेरी तो स्वॉर्ड टूट गई उनको मारते मारते. एंड अगर हम लोग के पास अभी एक्चुअली ये आ गया ना, तो हम लोग थोड़ा अच्छा खासा खाना बना लेते हैं. एंड ये कितना इम्प्रूव हो गया ब्रो हमारे पास. करेंटली एक्स्ट्रा 50 समथिंग व्हाटएवर यहाँ पे भी इधर काफ़ी पड़ा होगा. बेसिकली इतना सारा कैल्प एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ऊपर भी कैल्प है. एंड ये काफ़ी एफिशिएंटली काम कर रहा है. हमारे घर के सामने से ही ऑलमोस्ट अभी उतना कैल्प मिल जाता है जितना ऊपर की चेस्ट फिल करने के लिए. तो दैट इज़ अमेजिंग. एक मेरे को चाहिए 3 ब्लॉक्स, 1, 2, 3. एंड इसमें डाल दो चार, ठीक है जो भी है. ओके हाँ, इंचांटमेंट टेबल कहाँ है? ओके, बेसिकली इससे हमको मिलेगा बहुत ज़्यादा पेपर. 63, ओके, 3 स्टैक्स बेसिकली उतना ही मिलता है. इतना शुगर के अंदर डालते हो और बुक्स बनाते हैं आई थिंक. वेट, ओके, मतलब बेसिकली मैं ये यहाँ पे डाल देता हूँ. मेरे को याद नहीं कितनी बुक्स चाहिए. या एक्चुअली मेरे को बिल्कुल याद नहीं, बट जितनी भी बुक्स बाद में काम आई जाती है तो जितनी बना सकते हैं. बिकॉज अगर बुक किसी के लिए यूज़ नहीं हुई तो एटलीस्ट इसके लिए यूज़ हो जाएगी बुक, लाइक बुक्स एन्चांट करने के लिए बाद में. तो जितनी भी बुक्स है कम ही है अपने पास. और क्या करना है? ओके, तो डायमंड यहाँ से पकड़ते हैं. एंड एक मिनट, मेरे को याद नहीं है कैसे बनाते हैं एन्चांटमेंट टेबल. ओके, आई थिंक हमको चाहिए ऑब्सीडियन, ऐसे डायमंड्स एंड वहाँ पे भाई सब याद है मेरे को. मेरे को ये याद था कि 2 डायमंड्स चाहिए होते हैं और एक ही बुक चाहिए होती है, तो बाकी तो फिट इन हो गया. तो फाइनली ब्रो, एन्चांटमेंट टेबल यार, यस. मेरे को इसके लिए एक डिफरेंट फ्लोर बनाना है. आई वांट टू मेक इट ऊपर इसके, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्राउड अप नहीं करना है बुक से. बट यस 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 यस, इस फाइनली बन गया अपना एक. दिस इज सो गुड. वेट, कॉर्नर में डाल लूँ कि इधर डालूँ? ओह शिट, ये ऐसे टूटेगा क्या? कि इसे ही तोड़ना पड़ेगा क्या? आई एम नॉट श्योर, इसलिए मेरे को कुछ पंगा नहीं लेना है. आई थिंक इधर डालते हैं. एंड अभी के लिए ये कॉर्नर में बॉक्स डाल देंगे, बिकॉज बीच में डालूंगा ना तो सारा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा. देखते हैं यार कितना. हमको लैपिस चाहिए इसके लिए. काफ़ी सारा आयन भी ले लेते हैं, बिकॉज आयन वाली चीज़ें एन्चांट करने वाले अभी. आयन, हाँ. ओके, चलो अंदर देखते क्या क्या है. ओके, तो बुक केसेस बनाने हमको इधर इधर जाता है एंड बीच में बुक्स जाती है. कितना हुआ? 6. माय गॉड, मेरे को चाहिए. वेट, मेरी सारी बुक्स. अच्छा नहीं नहीं है, बुक्स है तो. ओके, मेरे को चाहिए आई थिंक 15 बुक शेल्स. अभी तक 6 बने हैं तो बाकी बनाने ही पड़ेंगे अभी. वेट अ सेकेंड, इधर इधर एंड इधर तो 14 बने. मेरे को और लेदर चाहिए. ओके, लेदर लेकर आते हैं. मैं तो इतनी काउज मार दी, जगह पतली सी हो गई है काउज के लिए. शिट, वेट, यहाँ पे भी अभी भी काउज पता नहीं क्यों रश में पड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पे आई डोंट नो, व्हाटएवर. चलो हमारे पास आई थिंक अब तो हो चुका है काफ़ी सामान. ओके, एक लास्ट बुक शेल्फ चाहिए. मैं बाकी बुक्स बचा रहा हूँ फॉर इंचांटिंग. तो 15 बुक शेल्फ हो गए हैं. एंड बेसिकली हमको आई थिंक इनको एक 1 मीटर रेडियस के अंदर डालना होता है ऑफ 1 मीटर के, मतलब हाँ बेसिकली 1 ब्लॉक रेडियस ऑफ द थिंगी. क्या नाम है इसका? इसकी यहाँ पे डाल दो क्या? अभी के लिए आई थिंक डाल सकते हैं यहाँ पे. एंड बाद में जब भी इसका बेटर वाला करेंगे. मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली कि मैंने ठीक से प्लेस किया है कि नहीं. ये तो बहुत एसिमेट्रिकल है. यू नो व्हाट, देख लेते हैं. बस ये देखते हैं अभी कि लेवल 30 आ रहे हैं. हाँ, लेवल 30 आ रहे हैं. यस, ओके ओके ओके, सॉर्टेड सॉर्टेड. ये हो चुका है. और यहाँ पे मैंने रख दिया है अपना लैपिस और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी हम लोग क्राफ्ट और इंचांट करने के लिए यूज़ करेंगे, तो इनको ले लेते हैं. एंड देखते हैं हमको आई थिंक मेरी आर्मर तो ऑलमोस्ट सारी न्यू है, बिकॉज टूटी जा रही थी इतने टाइम से हम लोग यूज़ कर रहे थे. स्वॉर्ड्स बनाते हैं, पिकैक्सेस बनाते हैं एंड जो भी जिस पे भी अच्छे इंचांटमेंट्स आते हैं वो देखते हैं. अबे भाई, ये क्या है? ऐसे नहीं आ सकता तू, ठीक है? कहाँ ये बेवकूफ? ओह माय गॉड, मेरे पास स्टोन स्वॉर्ड है.
शिट शिट शिट, लग गई अपनी, लग गई, मर ना जाओ मैं मेरे सी, मर मर। ओ यस, ओ हर हर एपिसोड में एंडरमैन के साथ पंगा, कोई घर के अंदर आ गया वो। ओके स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को चाहिए प्रोटेक्शन इन सब पे, प्रोटेक्शन टू। ओ भाई स्टार्टिंग में प्रोटेक्शन टू, ओके वेट, पर मेरे को और भी देखना, अगर चेस्ट प्लेट पे सपोज प्रोटेक्शन टू आ गया दिस इज बेटर, तो ये लेंगे हम लोग। दिस इज आई थिंक प्रॉब्ली ये हो ही जाएगा प्रोटेक्शन। अबे सब पे प्रोटेक्शन टू मिल रहा है, बाद में देखना, बाद में किसी पे नहीं देंगे ये लोग, मेरे को बहुत गुस्सा आएगा। इस पे शार्पनेस टू भी दे रहे हैं ब्रो, सारे अच्छे एन्चेंटमेंट्स है स्टार्टिंग में, तो शार्पनेस से बेसिकली इसकी अटैक बढ़ जाएगा। वेट इस पे क्या मिल रहा है, रेस्पिरेशन ब्लास्ट हट, चलो थैंक गॉड इस पे किसी पे तो अच्छा नहीं मिल रहा। फॉर्च्यून वन नहीं नहीं चाहिए मेरे को, इस पे चाहिए, इस पे मेरे को एफिशिएंसी टू चाहिए थी जो नहीं मिल रही फॉर सम रीज़न। ओके बुक पे नहीं मिल रहा, तो शार्पनेस एंड प्रोटेक्शन हमारे पास, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन टू है करंटली, तो मैं चेस्ट प्लेट पे लगा रहा हूँ। एंड और कुछ मिला नहीं, और कुछ नहीं मिला, ओके चलेगा, दिस इज गुड इनफ, मैं तो बहुत खुश हूँ प्रोटेक्शन टू मिल गया स्टार्टिंग में। और क्या है प्रोटेक्शन टू वापस, तो पैंट्स पे लगा सकते हैं हम लोग बेसिकली, आई थिंक सब पे सेम ही आएगा प्रोटेक्शन टू, हाँ सारी आर्मर पे सेम आता है। शार्पनेस टू वापस ले ले गया, शार्पनेस टू स्वॉर्ड आई थिंक प्रोटेक्शन पे ज़्यादा काम करे, शिट ओके पता नहीं यार, वापस अगर शार्पनेस नहीं मिला ना मेरे को तो बहुत दुख होगा। ओके यार और भी दो यार कुछ इसके साथ साथ, खाली प्रोटेक्शन दे रहे, थॉर्न्स हट नहीं, इस पर भी थॉर्न्स, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, ओ फेदर फॉलिंग टू, ये तो ले सकते हैं, खाली वन लेवल का है फेदर फॉलिंग टू। फेदर फॉलिंग से बेसिकली जब मैं गिरूंगा तो मेरे को कम डैमेज होगी, एंड आई थिंक हमको ले लेना चाहिए अनलेस स्वॉर्ड या किसी चीज़ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो। हट नॉकबैक तो मैं नहीं ले रहा, हट अनब्रेकिंग टू ओके है, बट अनलेस उसके साथ कुछ और भी आए तो फिर नहीं नहीं तो फिर हम लोग ये ले लेते हैं फेदर फॉलिंग टू। इसके लिए खाली एक भी फायर प्रोटेक्शन, घटिया यार ये तो काफ़ी कैन हो गया, इससे बेटर मैं एक्चुअली एक बुक पे प्रोटेक्शन लगा के उस पे लगा देता, बट ठीक है स्टार्टिंग के बूट से अगर मेरे को इससे भी प्रोटेक्शन मिल जाए मिल गया इस पे मैं वेट ओके मेरे को वेट करना है फॉर रेस्पिरेशन एज वेल, रेस्पिरेशन भी चाहिए मेरे को उस पे। सिल्क टच फॉर शवल, सिल्क टच शवल किसके लिए यूज़ होएगा पता नहीं, सिल्क टच पिकैक्स तो यूज़ हो सकती है थोड़ी चीज़ों के लिए, लाइक आई डोंट नो लाइक आइस या फिर जो हमारे ग्लास वाले हम लोग फर्नीचर लगाते हैं, ग्लास का कुछ भी बनाते हैं उससे सिल्क टच काफ़ी काम आ सकता है। कम ऑन गिव मी शार्पनेस यार, स्माइट आई डोंट वांट स्माइट, प्रोटेक्शन टू बुक है मेरे पास तो मैं तो वो ले रहा हूँ बुक, एंड फॉर्च्यून वन ठीक है हम लोग प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर लेंगे इसको। ओके आगे देखते हैं, ओके एक और प्रोटेक्शन टू हेलमेट पे मिल गया, हमारी आर्मर तो काफ़ी शॉर्ट हो चुकी है वैसे, तीन चीज़ों पे प्रोटेक्शन टू है एंड फेदर फॉलिंग भी हमारे पास, तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट। मेरे को तो लगा था खाली लेवल वन एन्चेंटमेंट्स मिलेंगे हमको इस पॉइंट पे, दिस इज नाइस। मेरे को एक्चुअली फिशिंग रॉड का भी देखना चाहिए बिकॉज मेरे को लक ऑफ द सी अगर मिल गया तो मैं ले लूँगा, वी नीड दोज क्या कहते हैं उनको क्या सॉरी जो नेम टैग्स एंड सैडल्स और ये सब, वो सब लक ऑफ द सी से ही मिलेगा तो उसकी वेट करनी है। आई एम ब्रेकिंग टू शार्पनेस फोर मिल जाता है यार, सोचो अगर हमारा लेवल 30 होता दिस इज द बेस्ट जो मिल सकता है, शार्पनेस 5 ही होता है बट वो डायरेक्टली नहीं मिलता, आई थिंक दो शार्पनेस फोर स्वॉर्ड्स को कंबाइन करना पड़ता है। ओके मैं इस बुक पे फायर एस्पेक्ट ले रहा हूँ बिकॉज मेरे को इस पे शार्पनेस चाहिए होगा तो फायर एस्पेक्ट भी लगा देंगे साथ साथ। कितने लेवल्स बाकी है हमारे पास, 14, थोड़ा बहुत है स्पेंड करने के लिए। ओ वेट 15 लेवल का होना पड़ता है लेवल 2 एन्चेंटमेंट्स के लिए, शिट क्या करूँ। अरे भाई अभी अनब्रेकिंग 3 मिलनी थी, मेरे को लेवल 15 का होना पड़ेगा शायद किसी तरह, बेसिकली ज़ॉम्बीज मार रहा हूँ इस पॉइंट पे लेवल्स के लिए बिकॉज वो एक लेवल 2 एन्चेंटमेंट मेरे को चाहिए वो वाला। अबे भाई ओ वेट मैंने आर्मर नहीं पहनी, शिट मैं भी पिट जाता ब्रो, एक मिनट अब घुसते हैं ना अब पानी में, अब क्या सीन है ब्रो, अब मारो ना ए बेवकूफे। ओपे भाई ओके अभी भी पढ़ रही है मेरे को, ओ माय गॉड वेट लेट मी ईट समथिंग सॉरी इसको मारो यार इस बेवकूफ को, पता नहीं क्या ट्राइडेंट से मारते रहते हैं मेरे को, एक और ट्राइडेंट मिल गया तो मज़ा आ जाएगा वैसे। मिला नहीं, नॉट लेस मिला, ओ मेरे को ट्राइडेंट की भी तो एन्चेंटमेंट देखते हैं यार, अपने मेरे को बताते क्यों नहीं हो। ओके इस पर अनब्रेकिंग 3 मिल रहा है, आई एम होपिंग एफिशिएंसी या कुछ भी साथ में आ जाए, कम ऑन ओके ये तो हमारा काफ़ी पोपट बन गया एक्चुअली। ओके इस पर एफिशिएंसी 2 मिल रहा है तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके बना दूंगा एक एफिशिएंसी 2 एंड अनब्रेकिंग 3 वाली पिकैक्स विच विल बी एक्चुअली वेरी गुड, तो अभी मैं खुश हूँ कि हमने अनब्रेकिंग 3 ले लिया। ओके थोड़ा कर आके मैं 17 लेवल करके आ गया अपना, एंड इसमें दो ले सकते हैं हम लोग अभी 15 लेवल इन चांस, तो एक मैं ये ले रहा हूँ शार्पनेस 2 ओके जस्ट शार्पनेस 2
एंड एक और बस देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए। आई थिंक अभी पिकैक्स का तो हो चुका है एंड शवल का इतना कोई सीन नहीं है, तो आई ट्राई कि इसका कुछ मिल जाए, वैसे लाइक इसका फिशिंग रॉड का कुछ मिल जाए यार। लक ऑफ द सी 2 मेरे को 30 लेवल्स की नहीं चाहिए मेरे को 30। व्हाट, लेवल 1 पे मेरे को शार्पनेस 2 मिल गया? ओके जी जी, ये तो शार्पनेस 3 स्वॉर्ड बन जाएगी अपनी, बस उस पर अनब्रेकिंग चाहिए किसी तरह। सिल्क टच फॉर शिट, सिल्क टच भी चाहिए। ओके मैं अभी सिल्क टच पे फोकस नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गोना ट्राई एंड देखो, देखते हैं कि बुक से अगर जो भी मिल जाता है मेरे को उस पर फोकस कर लेते हैं एंड बाकी यू नो लेट्स जस्ट सी। ओके एक अनब्रेकिंग 2 शावर ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज कुछ और है नहीं लेने को। आई थिंक इस पॉइंट पे तो हम लोग वी आर रनिंग आउट ऑफ स्टफ टू गेट, पता नहीं कुछ है नहीं। ये 9 कैसे हो गया? अच्छा ये किस, ये वाला पार्ट रीसेट होता रहता है। ओके प्रोटेक्शन 1 ले लेता हूँ मैं बेसिकली सब कुछ एग्जॉस्ट कर रहा हूँ अपना इस पॉइंट पे। कुछ खास तो मिल नहीं रहा इस पॉइंट पे। अनब्रेकिंग 1 नहीं चाहिए यार, कुछ अच्छा दो। ओके आई थिंक एंड लास्ट मेजर अपग्रेड ये लेंगे हम लोग फॉर फॉर्च्यून 1 ऑन आर पिकैक्स। और कुछ मिला नहीं, ठीक है, बट फॉर्च्यून 1 इज़ बेटर देन नथिंग। एंड कभी भी डायमंड हो या कुछ आता है तो फिर हो सकता है हमको थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, इंस्टेड ऑफ 1 डायमंड वी कैन गेट मे बी लाइक पता नहीं 3 or 4 या कुछ, मतलब 3 or 4 तो थोड़ा ज़्यादा है, वो फॉर्च्यून 3 पे मिलता है, बट 1 की जगह अगर 2 भी मिल गया डायमंड पॉकेट से तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा अपने लिए। एंड बाकी मैं बस अनब्रेकिंग एंड ये सब ले लेता हूँ, और हमको थोड़ा एक्चुअली लेवल्स बचाने पड़ेंगे फॉर कंबाइनिंग स्टफ, तो उसके लिए भी थोड़ा बचा लेते हैं। ओके तो ये सब अभी हमने इंचांट किया अभी तक, इंक्लूडिंग मेरी शार्पनेस 2 वाली स्वॉर्ड जो मैं रख रहा हूँ अपने पास। अनब्रेकिंग 1 के लिए ही यूज होगी, अनपेलिंग के लिए नहीं होगी। प्रोटेक्शन 1 ऑन समथिंग आई थिंक हम लोग बूट्स पर डाल सकते हैं बिकॉज बूट्स पर हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है। एफिशिएंसी 2 फॉर्च्यून 1, फॉर्च्यून 1 के साथ मेरे को एक अनब्रेकिंग वाली चाहिए होगी एक्चुअली, एंड हाँ वो ये रही, तो बेसिकली इसको एंड इसको कंबाइन करते हैं। आई एम नॉट श्योर कितना कंबाइन कर पाऊंगा मैं चीज़ें, इसके लिए स्पेशली ये शार्पनेस पे कुछ डालने में बहुत लग जाएगा बिकॉज ये ऑलरेडी थोड़ी सी स्पेंड हो चुकी है, तो इस पे भी शार्पनेस है। ओके तो इसको शार्पनेस 3 बना सकते हैं, ये शायद से इस एपिसोड में नहीं कर पाएंगे, मेरे को थोड़ा और या मतलब इस एपिसोड के एंड तक कर सकते हैं मे बी बिकॉज मेरे को और चाहिए होएगा। और क्या है, अनब्रेकिंग 3 ये तो सॉर्टेड है भाई, और ये एफिशिएंसी 2 दिस इज गुड। फिशिंग रॉड पे अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ मिला नहीं, तो विच इज़ या वेरी 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 सैड। प्रोटेक्शन 2 वो हम लोग बूट्स पर एक्चुअली ये डाल सकते हैं, या फिर हम लोग फॉर्चून 1 के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, एंड फॉर्चून 2 पे कैक्स बना देंगे जो मेरे को थोड़ा बेटर लगेगा। ओके तो बेसिकली हमको इन सब के साथ कंबाइन करना है, शार्पनेस 2 विद शार्पनेस 2 तो शार्पनेस 3 बन जाएगा विद फायर एस्पेक्ट 1, एंड एक और फायर एस्पेक्ट बुक मेरे पास पढ़ी थी मैंने देखा नहीं था, तो ये भी फायर एस्पेक्ट 2 बन जाएगा। इस पर अनब्रेकिंग 1 लगा सकते हैं एंड और क्या करें, इसका ये बन जाएगा अनब्रेकिंग 2 फॉर्च्यून, वेट फॉर्च्यून और था क्या हमारे पास कुछ फॉर्च्यून, ओ हाँ शिट ये इस पर लगाएंगे, तो ये सब के लेवल्स है नहीं मेरे पास अभी, एपिसोड के एंड तक हो जाएगा शायद। एफिशिएंसी 2 एंड एफिशिएंसी 3 तो सबसे पहले कंबाइन कर देते हैं बिकॉज ये तो सबसे शॉर्ट चीज़ है भाई, मेरे को एफिशिएंसी 2 बहुत टाइम से चाहिए, हमारी आयरन पिकैक्स इज वेरी स्लो फॉर मी नाउ, तो एफिशिएंसी 2 एंड 3। अबे 6 तो इसके लग गया, ओह माय गॉड, वेट उल्टी साइड का कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ ऐसे कैसे, ओके इसका खाली 2 लग रहा है। एनीवे आई एम गोना टेक दिस, ये एफिशिएंसी 2 एंड ये काफ़ी शॉर्ट हो गई है, कुछ नेम नहीं कर रहा मैं बिकॉज एक फालतू एक्स्ट्रा लगेगा, प्लस ये हमारा फाइनल गियर नहीं होने वाला तो नेम करने का सेंस नहीं बनता है। दिस प्लस दिस ये 4 हो जाएगा, इसकी तरह उल्टा साइड 3, बट वेट 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 पहले स्वॉर्ड कर लेते हैं। शार्पनेस 2 इसका 3 लग रहा है, ओके उल्टी साइड कुछ फर्क 1 है, सी हैक्स है ये सब तो। ओके शार्पनेस 3 बन गई है प्लस 5 मेरे पास है नहीं, आई थिंक 5 वेट कितना लेवल्स है मेरे पास, 5 है, ओके मेरे पास 5 एग्जैक्टली उतना ही है। वेट लेट्स सी फायर एस्पेक्ट इसका अगर ये डालूंगा मैं तो इसका 2 लगेगा, ओके मेरी स्वॉर्ड का गई। दिस शार्पनेस 3 प्लस फायर एस्पेक्ट 2 का 10 लगता है, ओह शिट पहले कंबाइन कर, ओके इसका 5 है मेरे मैं 5 ला सकता हूँ, 5 तो मैं ला सकता हूँ आई थिंक, कुछ अगर मैं थोड़ा फीड वीड कर लूँगा उनको एनिमल्स का उस सबसे हो जाएगा। प्लस अनब्रेकिंग 1 डालना है, शार्पनेस पे पहले अनब्रेकिंग 1 डाल दे क्या, आई थिंक दिस इज ओके, उल्टी साइड उल्टा तो नहीं डाल सकते मैं बुक के पास, स्वॉर्ड नहीं डाल सकते। ओके तो ये भी हो गया शार्पनेस 3 अनब्रेकिंग 1 विच इज अमेजिंग। फायर एस्पेक्ट 2, ओके मैं ये करके आता हूँ एक सेकेंड। ओह माय गॉड रूड, ये बाहर क्यों रात होती ना, मेरे को सो जाना चाहिए बिकॉज ये बेवकूफ लोग बाहर आते हैं, एंड अब ये लोग ट्राइडेंट देते भी नहीं है मेरे को, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो काफ़ी ज़्यादा लेवल हो गया मेरा। 13 पहुँच चुका हूँ मैं एंड ये 14 कॉस कर रहा है, वाह। ओके ये 9 कॉस्ट कर रहा है, ये चाहिए मेरे को, बट अगर दूसरा काफ़ी चीपर है तो वो पहले कर लेते हैं। तो इसमें मेरे को बेसिकली फॉर्च्यून 1 से फॉर्च्यून 2 करना है इसको जो है यहाँ पे, ओके सिंपल इनफ, एंड फिर उसके बाद मेरे को इसके साथ कंबाइन करना है विच इज़ 4, हाँ 4, ओके हाँ चलो पहले पिकैक्स कर लेते हैं
दिस इज फॉर्च्यून टू एंड फिर बेसिकली हाफ ओके वी हैव अ फॉर्च्यून टू अनब्रेकिंग टू एफिशिएंसी वन पे कैक्स जो ठीक है अभी के लिए. फॉर्च्यून टू से मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज डायमंड्स एंड ऑल अभी चाहिए हमको आगे के काफ़ी चीज़ों के लिए अपनी डायमंड आमा बनानी है एंड सबको माइंड करने के लिए हमको कुछ तो फॉर्च्यून चाहिए था तो आई एम हैप्पी कि हमको ये मिल चुका है. अब इसका देखते हैं ये फाइनल चीज़ें जो हमको करनी है एंड इसका कॉस्ट है 9 और मेरे पास है 3. आई थिंक इसको अभी नहीं करने वाला, हमारा एनवेल काफ़ी यूज़अप हो गया ऑलरेडी. मैं इसको करता हूँ फिर आई गेस हम लोग नीचे मेरे को पहले वो बनाना है, वी नीड टू क्रिएट रूफ टॉप के लिए लाइट एंड ऑल्सो हमको एक नेदर गेट बनाना है तो वो सब कर लेते हैं अभी. ओके सबसे पहले तो बनाने लैंटर्न्स जिसके लिए हमको चाहिए आयन नगेट्स एंड वेट शीट मैं भूल गया कैसे बनाते हैं इसको. 3 आई थिंक इसके अराउंड जाएंगे ये. ओके 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 हाँ तो इसको आई थिंक कितना चाहिएगा, बड़ा रूफ है इस बार हमारा तो एटलीस्ट 6 तो लगा देते हैं तो और 3 बनाने पड़ेंगे. 1 2 3 ओके 6 लैंटर्न्स आ गए हमारे पास. बेसिकली रूफ टॉप को लिट कर देंगे, मतलब लिट नहीं कर देंगे बिकॉज यहाँ पे स्पाइडर्स एंड ऑल स्पॉन होने शुरू हो गए थे तो उसके लिए ये कर रहा हूँ मैं. 1 2 3 और इसी साइड पे 1 2 3 ओके हाँ दिस इज गुड. प्लस मैंने एक ये सेम डिज़ाइन यूज़ किया था लैंटर्न्स के साथ इन जो हम लोग बाद में बनाने वाले हैं काउस के लिए पेन्स और वो सब तो वो भी करेंगे. अभी जाके बनाते हैं नेदर गेट एंड वो मैं सोच रहा हूँ कि घर के पीछे साइड पे बनाऊँ बिकॉज यहाँ पे मैं अगर अपने ऑटोमेटिक फॉर्म से कुछ बनाने ही वाला हूँ तो मेरे को बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. प्लस यहाँ पे तो कुछ स्पेसिफिकली आने नहीं वाला. अब 1 2 3 4 एंड उसके बाद 1 2 3 आई थिंक 1 2 3 ऐसे बनता है क्या? नहीं आई थिंक एक छोटा बना दिया मैंने. ओ वेट लेट मी सी. ओके एक छोटा बना दिया, इसको तोड़ना पड़ेगा जिसमें लगेगा आधा घंटा. ओके हाँ ये बन गया. बेसिकली 2x3 का होना चाहिए अंदर का पार्ट एंड येस नेदर पोर्टल. मैं अभी नहीं जा रहा, आई एम गोना गो इन अ फ्यूचर एपिसोड. तो एक्चुअली आप लोग डिसाइड कर सकते हो, लेट मी नो अगर नेक्स्ट एपिसोड में इफ आई शुड मेक ऑटोमेटिक फार्म्स यहाँ पे एंड उसके बाद नेदर जाएं या फिर पहले नेदर जाना है बिकॉज नेदर में मेरे को ये पता है कि बहुत सारी न्यू चीज़ आई है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई है तो मेरे को भी जाने के लिए काफ़ी सारी डूम है. आई स्टिल हैव टू मेक यहाँ पे ब्रिज एंड पिलर्स को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा. मैं ये सोच रहा था कि हम लोग नेदर पहले जा सकते हैं बिकॉज मेरे को क्वार्ट्ज से काफ़ी चीज़ें बनानी है. क्वार्ट्ज लुक्स वेरी नाइस, एकदम क्लीन वाइट सा होता है मटेरियल और वो नेदर में मिलता है तो उसका देख लेते हैं. एंड अभी एक्चुअली मेरे को जाना है बस फाइनल चीज़ कराने के लिए टू टेस्ट आउट दीज न्यू जो भी हमको इंचांटेड चीज़ें मिली है तो वो देख के आए थे. अगर कुछ हमको कोल या कुछ मिला तो उस पर हम लोग फॉर्चून टेस्ट कर सकते हैं एंड अनब्रेकिंग तो एक्चुअली इधर ही कर लेते हैं हम लोग. अनब्रेकिंग सॉरी एफिशिएंसी. हाँ पता नहीं मेरे को तो नॉर्मली फील हो रहा है. वेट इससे नॉर्मल पे कैसे कैसे होता है? ओके नहीं हाँ थोड़ा फास्टर है. हाँ एक्चुअली ओके उसको यूज़ करने के बाद काफ़ी फास्ट लग रहा है मेरे को. आई वाज लाइक कि ये तो क्या स्टूपिड हो गया. बट एफिशिएंसी 2 इज़ गुड एंड अनब्रेकिंग 3 है तो ये काफ़ी टाइम भी चलेगी. ओके फॉर्च्यून 2 चेकआउट करना है. ओह यहाँ पे आयरन भी मिल गया मेरे को इधर आते आते. ओके हाँ ये रहा थोड़ा सा कोल तो वेट ओके अगर हम लोग नॉर्मल से करेंगे तो एक ही कोल मिलता है, अगर फॉर्च्यून से करेंगे तो 2 है क्या? वेट मेरे पास कितना एक ही कोल है. ओके हाँ 2 मिला और कुछ थोड़ा और दो यार. वेट तो दिस इज़ हमने 5 फोड़े अभी एंड टोटल ओके टोटल 7 से हमको 12 मिल गया विच इज़ ओके थोड़ा ओके रेशियो. एक्चुअली फॉर्च्यून 3 से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है फिर मेरे को लगता है तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर बट ठीक है. प्लस इंचांटमेंट का नाम बेसिकली फॉर्च्यून है तो लक पे भी डिपेंड करता है कितना मिलेगा. हो सकता है कि आपको हर एक से 2 या 3 मिल जाए, हो सकता है आपको किसी से भी ना मिले. तो आई एम होपिंग कि जब हम लोग डायमंड हंटिंग जाए तो फिंगर्स क्रॉस हमको हर चीज़ पे मिल जाए या 2 at least 2 to 3 ऑन डायमंड्स विल बी एक्सेलेंट. क्योंकि एक डायमंड पॉकेट 8 से बड़ी कभी नहीं होती और हमको यूजली 2 या 3 की मिलती है तो उससे भी अगर ऐसे थोड़ा मल्टीप्लाई जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा. ओके तो यहाँ पे एपिसोड खत्म करते हैं. नेक्स्ट एपिसोड तक आई ट्राई एंड गेट थोड़े मोर इंचांटिंग लेवल्स ताकि हम लोग अपने शार्पनेस एंड इसको फायर एस्पेक्ट को मिला सके बेटर स्वॉर्ड आ जाएगी. आई एम प्रीटी हैप्पी विद जो हमको पिकैक्सेस मिल चुकी है. एटलीस्ट आई एम जस्ट थोड़ा अनहैप्पी कि हम लोग फिशिंग रॉड को नहीं कर पाए एंड प्लस मेरे को एक रेस्पिरेशन स्पेसिफिकली चाहिए था अपनी हेलमेट पे वो नहीं मिला. बट होपफुली अगर हमारे पास और लेवल्स आ जाए तो हम लोग एक बुक पे ही कर लेंगे उसको. देखिए क्या मिल रहा है क्या अभी नहीं फैदर फॉलिंग डेथ स्ट्राइडर. वैसे डेथ स्ट्राइडर भी लगाना अपने बूट्स पे, उससे बेसिकली हम लोग फास्टर वॉक करते हैं. तो या लेट मी नो अगर आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड में देखना है कि वेदर आई शुड गो टू द नेदर या फिर वेदर आई शुड यू नो लाइक अपना फार्म पूरे क्लीन अप करूँ एंड साथ साथ में ऑटोमेटिक फार्म भी सेटअप करूँ. ऑटोमेटिक फार्म्स का अगेन जैसे मैंने बोला था कि मेरे को क्वाड्स से शुगर के फार्म बनाने में लास्ट टाइम कुछ ज़्यादा ही क्लीन लगा था तो मेरे को वो करना है. तो वी लेफ्ट ओ ये तो खत्म ही हो गया. वी लेफ्ट मेरे को शुगर केन फार्म, अपना कैल्प का एक फार्म बनाएंगे, वीट का बनाएंगे एंड और क्या होता है लाइक और थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे लाइक एक एग शूटर और ये सब छोटी छोटी चीज़ें करेंगे.
अभी तो क्या क्रीपी है भाई इन चिकन्स की वॉकिंग आवाज। तो हाँ, ऑल्सो मेरे को अपने एक स्टोरेज यूनिट पर वर्क करना है विच विल बी अंडर माई हाउस, नीचे वाली साइड पर, बिकॉज बाहर यहाँ पे स्टोरेज के लिए जाना इज सुपर अनोइंग। ओके, तो या यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ड्रॉप लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट एंड आई विल सी यू ऑल्सो।